इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान सेकेंड T20 मैच में भारत 26 गेंद बाकी रहते हुए 14 विकेट से जीत करके सीरीज अपने नाम की, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा का इससे भी मन नहीं भरा और अफगानिस्तान को 3-0 से मात देने के लिए सेकेंड T20 मैच में खराब प्रदर्शन करने वाले जितेंद्र शर्मा, वाशिंगटन सुंदर, उबारकर, कुलदीप यादव, संजू सैमसन जैसे कई दिग्गजों की वापसी करा के बना दिए हैं खतरनाक प्लेइंग 11। ऐसे में देखने वाली बात है कि थर्ड T20 मुकाबले में कौन से 11 धाकर खिलाड़ियों को मौका मिला है। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्लेइंग 11 बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार और हमारे चैनल क्रिकेट एक्सप्रेस 24 में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा T20 मुकाबला कब, कहाँ और कितने बजे खेला जाएगा, और इसी के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ तीसरा T20 मुकाबला में भारत की कंफर्म प्लेइंग 11 क्या होने वाली है, क्योंकि भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने कंफर्म प्लेइंग 11 का घोषणा कर दिया है। ऐसे देखा जाए तो आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। ऐसे में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा T20 मुकाबला 17 जनवरी को शाम 7 बजे से एम जिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा और भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट स्पोर्ट 18 चैनल पर किया जाएगा। लाइव स्ट्रीमिंग जियो सिनेमा ऐप पर उपलब्ध रहेगी, जिसे आप घर बैठे अपने मोबाइल से देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा T20 मुकाबला कब, कहां और कितने बजे खेला जाएगा। अब बात कर लेते हैं भारतीय टीम के प्लेइंग 11 को लेकर, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको भी क्रिकेट से संबंधित अपडेट सबसे पहले मिलते रहे, और वीडियो को लाइक और अपने क्रिकेट लवर दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे में भारत की ओर से पारी का आगाज करते हुए नजर आने वाले हैं रोहित शर्मा, लेकिन अगर बात करें खेले गए दोनों T20 मैच में रोहित शर्मा के परफॉर्मेंस की, तो लगातार दूसरे मैच में 0 पर आउट हुए रोहित शर्मा। 150वें T20 मैच हिटमैन का बुरा हाल। अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे T20 मैच में रोहित शर्मा पहली गेंद पर ही बोल्ड हो गए। रोहित शर्मा लगातार दूसरे T20 मैच में अपना खाता नहीं खोल पाए। रोहित शर्मा 14 महीने बाद टीम इंडिया के लिए T20 टीम में वापसी कर रहे हैं, लेकिन पिछले दोनों ही मैच में वह एक भी रन नहीं बना सके। अफगानिस्तान के खिलाफ यह मुकाबला रोहित शर्मा का T20 इंटरनेशनल करियर में 150वां मैच था। हालांकि वह इस मैच में गोल्डन डक होकर पवेलियन वापस लौटे। रोहित को फजल हक फारूकी ने बोल्ड किया। अफगानिस्तान के लिए इस मैच में फजल हक फारूकी पारी का पहला ओवर करने आए। पहले ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा को लगा कि गेंद उछाल के साथ उनके बल्ले पर आएगी, लेकिन फजल हक फारूकी ने जिस गति से बॉल डाली वो नीचे रह गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि रोहित शर्मा पूरी तरह से शॉट को मिस कर गए और उनका विकेट हवा में लहरा गया। सीरीज के पहले मैच में रोहित शर्मा सुमन गिल के साथ ओपनिंग करते हुए गफलत के शिकार बन गए थे। इस मैच में रोहित शर्मा टॉस लगाकर रन लेने की कोशिश की, लेकिन सुमन दूसरे छोर की तरफ से नहीं दौड़े। ऐसे में दोनों ही खिलाड़ी एक ही एंड पर पहुंच गए थे, जिसके कारण रोहित शर्मा बिना खाता खोले रन आउट हो गए। वहीं दूसरे T20 में उन्हें गेंदबाज ने पूरी तरह से अपने जाल में फंसाया। अफगानिस्तान की रिकॉर्ड 172 रन। भारत के खिलाफ इस मैच में अफगानिस्तान की टीम को टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला। पहले बैटिंग करने उतरी अफगानिस्तान की शुरुआत कुछ खास नहीं थी, लेकिन इसके बाद गुलबदीन नईब ने बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेलकर अफगानिस्तान को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया। अफगानिस्तान ने मैच में भारत के सामने 173 रनों का मजबूत लक्ष्य रखा। T20 क्रिकेट में अफगानिस्तान भारत के खिलाफ यह सबसे बड़ा स्कोर बनाया। देखा जाए तो दोनों ही T20 में हिटमैन का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, लेकिन फिर भी वही नंबर एक पर खेलते हुए नजर आएंगे और उम्मीद करते हैं कि तीसरा T20 मैच में रोहित शर्मा बिना 0 पर आउट हुए अच्छा पारी खेलेंगे। वहीं दूसरे नंबर पर खेलते हुए नजर आने वाले हैं सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल भारतीय बल्लेबाजी क्रम में अपनी भूमिका को लेकर स्पष्ट है और उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे T20 मैच में वह टीम को अच्छा स्ट्राइक रेट से शुरुआत देने की कोशिश कर रहे थे। जायसवाल ने 34 गेंद पर 68 रन की पारी खेली, जबकि शिवम दुबे 32 गेंद में 63 रन बनाकर नवाज रहे, जिससे भारत ने 6 विकेट से जीत दर्ज की। मैच के बाद यशस्वी जायसवाल ने कहा, मुझे अपना नेचुरल खेल खेलने के लिए कहा गया था और मैं ऐसे करने की कोशिश कर रहा था। 22 साल के यशस्वी जायसवाल ने आगे कहा कि उन्हें जब भी मौका मिलता है वह टीम के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा, मैं अभ्यास सत्र के दौरान कड़ी मेहनत करता हूँ, जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करता हूँ और यह सुनिश्चित करता हूँ कि मैं टीम के लिए अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ योगदान दूं, जो सबसे महत्वपूर्ण है। जायसवाल से पूछा गया कि सीनियर बल्लेबाज विराट कोहली के साथ क्रीज पर उनकी क्या बातचीत हुई, इसके जवाब में उन्होंने कहा, जब मैं विराट भैया के साथ बल्लेबाजी करता हूँ तो वो मेरे लिए सम्मान की बात होती है, उनसे काफी कुछ सीखने को